हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड पार्ट है जो हमारी जनरल साइंस की सीरीज चल रही थी। उसके अंदर मैंने इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं जिसके अंदर की 40+40 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। काफ़ी लोगों ने पसंद किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट करते रहेंगे तो हम आपके लिए पूरी जो सीरीज लेकर आएंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जल्दी से। जिन्होंने वो दो पार्ट नहीं देखे वो भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग जो है जो बाकी दो पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। फर्स्ट हमें चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो वीडियोज़ का लिंक और जो पीडीएफ का लिंक सबसे पहले वहां पर शेयर किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। द सर्कुलर डिप्रेशन कंटेनिंग ए वॉल्केनिक वेंट इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, जब ज्वालामुखी फट जाता है, उसके बाद ज्वालामुखी फटने के बाद जो एक सर्कुलर वेंट होता है उसके चारों ओर कुछ ऐसे गोल गोल बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से धरती के अंदर से मैग्मा बाहर निकला, ये धरती है, इससे मैग्मा बाहर आया, तो मैग्मा बाहर आने के बाद ऐसे कुछ बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इस तरह की शेप बन जाती है, उसको क्या बोला जाता है? क्रेटर। इस गड्ढे को क्रेटर बोलते हैं। ज्वालामुखी वेंट युक्त वृत्ताकार अवसाद को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू लिमिट इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को रोकने के लिए या कम करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स, उसके अंदर क्या होता है? लिमिट। इसके अंदर दो हो सकते हैं फ्रेंड्स चीज़ें। एक तो होता है रेजिस्टर। रेजिस्टर से क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए तो वो कम हो जाएगा उसका करंट। लेकिन इसमें क्या है, लिमिट करना मतलब उसको रोकना, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ कुछ आगे जल रहा है तो हमने एक करंट रोकना है, तो क्या यूज़ करेंगे? हम फ्यूज़ यूज़ करेंगे, तो उसका राइट आंसर फ्यूज़ है। कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सर रेजिस्टर क्यों लगा है। रेजिस्टर किस लिए होता है? वो उसकी रेजिस्टेंस कम करने के लिए, मतलब करंट का फ्लो कम करने के लिए। लेकिन हमें लिमिट करना मतलब करंट को बिल्कुल कट करना है, तो फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। पायरोहाइट इज एन ओर या मिनरल ऑफ। तो पायरोहाइट किसका मिनरल है? लेड का, निकल का, गोल्ड का या फिर टिन का? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर है निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स। एक फूल के निषेचन में निषेचित केंद्रीय कोशिका डैश में विकसित होगी। इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर द फर्टिलाइज्ड सेंट्रल सेल विल डेवलप्ड इनटू। तो किसमें डेवलप होगी? एंडोस्पर्म्स के अंदर डेवलप होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स, ये वीडियो में फिर बता देता हूँ आपको, आरआरबी के लिए, एसएससी या फिर जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हो रहे हैं, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर, जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, यूपीएससी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं आपको। तो ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो एग्जाम में आते हैं। सिर्फ हम ये नहीं पूछ रहे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, जैसे कि आजकल यूट्यूब पे लोग करवा रहे हैं कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल कैसे किसे कहते हैं, इनमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इतने आसान क्वेश्चन अब नहीं आते। आपको पता ही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, टफनेस लेवल एग्जाम का कुछ लेवल आने लगा आजकल। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के एग्जाम में दे देंगे तो बच्चे इस तरह, तो कट ऑफ फ्रेंड्स 100 में से बच्चों के 96 मार्क्स आ जाएंगे, 98 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कट ऑफ आज भी 65 से लेके 72 के आसपास रहती है। क्यों? क्योंकि टफनेस लेवल बढ़ा दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन फ्रेंड्स जरूर करके जाया कीजिए। द बार्क ऑफ विलो ट्री इज ए सोर्स ऑफ विच मेडिसिन। विलो पेड़ की छाल किस औषधि का स्रोत है? तो ये है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जो है विलो ट्री से बनती है, याद रखिए यहाँ पर। कैपरा हिरकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। जो कैपरा हिरकस है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो गोट का नाम है। आपको पता होना चाहिए कि बकरी का क्या नाम है, कैपरा हिरकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स। एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्रोमिन। ब्रोमिन से किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो सिल्वर का यहाँ पर ज्यादा है। फ्रेंड्स, मैं आपको पीरियोडिक टेबल कराऊंगा, उसके अंदर सारी चीज़ें, एक एक चीज पीरियोडिक टेबल की आपके लिए फ्रेंड्स दो वीडियोस लेकर आई जाएंगी। दो वीडियोस के अंदर आपको सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी, कहाँ पर एलिमेंट्स हैं, कहाँ पर मेटल है, कहाँ पर नॉन मेटल, उनकी पोजीशन से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, मैंने आपको बताया था कि 10 वीडियोज आपको जनरल साइंस की दी जाएंगी, ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो थोड़ा सा वीडियो से जुड़े रहिए, डेली वीडियो देखा कीजिए और जो है इसको फॉलो किया कीजिए। करंट अफेयर भी करवा रहे हैं वो भी फॉलो किया कीजिए। वीडियो जाकर एक बार चैनल पर वीडियोज के फोल्डर पर क्लिक कीजिए, वीडियोज पर क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगे वहाँ पर। विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज एस्क्रेसिस। तो वो कौन सा है? तो वो है परजीवी, प्लास्टिक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज डिसेंट्री। किस प्रकार का रोगजनक पानी से होने वाली बीमारी डिसेंट्री का कारण बनता है? तो फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया होता है, जीवाणु के कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर।
ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप और चार्ट्स इज कॉल्ड, जो कि मैप बनाता है या नक्शे बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, कार्टोग्राफर याद रखना आपको। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ए एफ सिग्नल लेवल एंड नॉइस, कौन सा उपकरण वायुसेना सिग्नल स्तर और शोर को मापता है। तो फ्रेंड्स कौन सा उपकरण होता है, वो होता है फ्लोपोमीटर, फ्लोपोमीटर। ये एयरफोर्स सिग्नल और जो नॉइस को कौन सा मीटर मापता है, ये जहां याद रखिए सोफोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भोर मॉडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि भोर मॉडल है वो किससे रिलेटेड है, प्लम पडिंग मॉडल से, न्यूक्लियर थ्योरी से, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ थ्योरी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ थ्योरी, तो भोर मॉडल क्वांटाइजेशन ऑफ थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच, बाय डैश ऑब्जेक्ट्स, तो साउंड किससे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्रेंड्स स्टेबल ऑब्जेक्ट कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म सब्जेक्ट कभी साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते, परपेचुअल जो है कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। डैश कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर का बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, तो वो है लिविंग थिंग्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के अंदर भी है और इंग्लिश के अंदर भी है, मैं यहाँ पर इंग्लिश के अंदर करवा रहा हूँ, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले मैं हिंदी के अंदर करवा रहा था तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इंग्लिश के अंदर करवाइए, तो मैक्सिमम कमेंट इंग्लिश के थे, आप बताइए अगर आप हिंदी में करना चाहते हो मैं आपको हिंदी में करवा दूंगा। आइसोटोन हैव डैश, हैव ऑलवेज डैश, तो आइसोटोन्स में क्या होता है ऑलवेज, तो उनका क्या होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं आइसोटोन्स में। एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, जो कि परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है फ्रेंड्स फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूजन मतलब टूटना, परमाणु विखंडन पर। उसमें क्या होता है जो परमाणु होते हैं एटम्स होते हैं वो टूटते जाते हैं, पहले एक एटम होता है आगे दो बनते हैं, फिर दो के आगे फिर दो बनते हैं, फिर दो एटम से आगे और दो बनते हैं, फिर आगे दो बनते हैं, और जब ये एटम टूट रहे होते हैं तो क्या होता है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के साथ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो जाती है फिर, और हवा जहरीली हो जाती है। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल इन ए फ्लावर विच मे बी स्टिकी इज, उसको क्या बोलते हैं स्टिग्मा कहते हैं। एक फूल में कार्पेल का टर्मिनल हिस्सा जो चिपचिपा हो सकता है उसको क्या बोलते हैं कलंक कहते हैं उसको, तो हिंदी के अंदर काफी खतरनाक नाम है उसका। विच केमिकल इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ कॉर्क ऑफ द ट्री विच मेक्स देम इम्परवियस टू ग्रासेस एंड वाटर, पेड़ के कॉर्क की कोशिकाओं में कौन सा रसायन मौजूद होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए अभेद्य बनाता है, तो वो होता है फ्रेंड्स सबरीन। इन ए डैश वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, माध्यम के डैश में तरंग के कण तरंग परासर की दिशा में एक दिशा में कंपन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, रोलिंग वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, या फील्ड वेव्स होती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर। विच टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड आल्सो स्टोर फूड, तो वो कौन सा टिश्यू है, तो उसको बोलते हैं पैरेन्चिमा, पैरेन्काइमा बोलते हैं। When the vibrating object move backward, it creates a region of low pressure in the medium called, तो उसको क्या बोलते हैं rarefaction, दुर्लभता बोलते हैं। जब हिलने वाली वस्तु पीछे की ओर बढ़ती है तो यह क्या कहलाती है, दुर्बलता नामक माध्यम से कम दबाव का क्षेत्र बनाती है, तो इसका राइट आंसर है डी। Many submarine animals use dash dissolved in sea water to make their shells, तो क्या होता है यहाँ पर कार्बोनेट्स, मैनी मैरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट डिजोल्ड इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स, तो शेल्स किसकी बनी होती हैं कार्बोनेट्स की। लाइट इज ए डैश वेव, कौन सी वेव होती है लाइट, यहाँ पर बिल्कुल आसान सा ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक ट्रांसवर्स या मैकेनिकल, तो लाइट वेव कौन सी होती है फ्रेंड्स, लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव होती है। प्लांट ऑफ विच ग्रुप आर प्रेडोमिनेंटली एक्वाटिक, प्लांट ऑफ विच ग्रुप आर प्रोडोमिनेटली एक्वाटिक, तो वो होता है थैलोफाइटा। तो हिंदी में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, किस समूह के पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं, तो वो थैलोफाइटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर का मेजर कॉम्पोनेंट कौन सा है? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये हर बार एग्जाम्स के अंदर आ जाता है, ये यूपी के अंदर अभी भी दो तीन एग्जाम हुआ उसके अंदर ये पूछा गया, हरियाणा के अंदर एग्जाम वहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर, और एसएससी के अंदर तो ये दो तीन बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसको भूलना नहीं है। जर्मन सिल्वर तो इसके अंदर मेन क्या होता है? कॉपर होता है। यहाँ पर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रोड्स आर यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वहाँ पर क्या होता है? फ्यूल मॉडरेटर कंट्रोलर, तो राइट आंसर है कंट्रोलर। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि अभी ये जो क्वेश्चन बताया था अभी एक दो मिनट लेंगे कि ये क्वेश्चन हरियाणा के अंदर आया है, राजस्थान के अंदर आया है, यूपी के अंदर आया है, तो आपके माइंड में आया होगा कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि आया हुआ है, तो क्या आपने पेपर देखे हैं? फ्रेंड्स अगर आप भी पुराने पेपर, जैसे मान लीजिए अभी कोई एग्जाम्स हो रहा है, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया, राजस्थान के अंदर कोई एग्जाम हो रहा है आपने नहीं दिया, कम से कम वो डाउनलोड करके देख लिया कीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए, करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से रहे हैं इसके अंदर। जैसे कि यूपी के अंदर कोई एग्जाम हुआ तो देख लीजिए, जैसे लोअर पीसीएस का हो रहा है एग्जाम, तो उसमें देखिए कि करंट अफेयर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हैं, कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। हम सभी एग्जाम्स देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद ही हमारे यहाँ पर वीडियोज आपके लिए बनाई जाती हैं। अभी हरियाणा के अंदर एग्जाम्स हुए थे वो हमने देखे थे, देखा था कि कैसा लेवल रहा है एग्जाम का। और फ्रेंड्स अगर आपको ये एग्जाम्स कहीं पे नहीं मिलती तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है studymasterofficial.com, वहाँ पर आकर देखा कीजिए, वहाँ पर आपको सारे पुराने पेपर मिल जाएंगे जितने भी। जैसे मान लीजिए आज कोई एग्जाम हुआ है, आज यहाँ पर फ्रेंड्स 3 तारीख है, 3 अक्टूबर को कोई भी एग्जाम हुआ है, तो फ्रेंड्स 4 अक्टूबर को ये एग्जाम हमारी जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जो मिल जाएगा वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उस पेपर को पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आंसर जरूर होंगे साथ में, क्या पता आंसर हो भी सकते हैं आंसर नहीं भी हो सकते, लेकिन आपको एग्जाम जरूर मिल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा देखा कीजिए, वेबसाइट को डेली विजिट किया कीजिए, वहाँ पर आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम पीडीएफ डाल देते हैं टेलीग्राम में ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। द स्पर्म फॉर्म्ड इन टेस्ट आर डिलीवर्ड थ्रू द डैश विच यूनाइट्स विद ए ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए वृषण में बनने वाली शुक्राणुओं को डैश के माध्यम से पहुंचाया जाता है जो मूत्राशय से आने वाली एक ट्यूब से एकजुट होता है, तो वहां से वॉस डिफरेंस से डैश में क्या आएगा? वॉस डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सॉइल कंटेन डिकेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? मिनरल्स नहीं, बायोस्फीयर नहीं, सेलेनिटी नहीं कहते, जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूम्स बोलते हैं। द स्वोलन बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पल इन ए फ्लावर इज, द स्वोलन बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पल इन ए फ्लावर इज, उसको क्या बोलते हैं? ओवेरी, अंडाशय कहते हैं उसको। When the vibrating object move forward, it creates a region of high pressure in the medium. जब फ्रेंड्स कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाता है तो अपने पीछे ये क्या करता है? हाई प्रेशर क्रिएट करता है इन द मीडियम, ये मीडियम में हाई प्रेशर क्रिएट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कंप्रेशन कहते हैं फ्रेंड्स। Which among the following is not same as reproduction? तो इसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन की तरह कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के समान नहीं है? तो फ्रेंड्स बडिंग बिल्कुल सेम है, वेजिटेशन प्रोपगेशन बिल्कुल सेम है, स्पोर फॉर्मेशन सेम है, लेकिन रीजनरेशन नहीं है। बाय विच प्रोसेस द सेल्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू टेक अप ए परमानेंट शेप साइज एंड ए फंक्शन, तो कौन सा सेल है? तो वो है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन से सेल को जो है शेप साइज मिलता है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हाइड्रोजनीकरण है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? रबर के साथ, पेट्रोलियम के साथ, कॉपर के साथ, या फिर एडिबल फैट के साथ? तो जो हाइड्रोजनेशन है वो इसके साथ है, एडिबल फैट्स के साथ ये जुड़ा हुआ है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स दैट आर जनरली येलोइश इन कलर, तो कौन सा पार्ट पोलन ग्रेन्स को जो है प्रोड्यूस करता है? वो होता है स्टेम्स, पुंकेसर। The cells of centrema tissue have their walls thick due to which chemical substances? तो किस chemical substances की वजह से ये होता है? Lignin की वजह से होता है ये। What is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy? तो ये किसकी सहायता से करते हैं plants? तो ये photosynthesis की help से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ऑल्फैक्टरी रेस्पिरेटर्स इन ह्यूमन बीइंग डिटेक्ट, तो ये क्या डिटेक्ट करते हैं? स्मेल।
जो कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। रिंग्स ऑफ डैश आर प्रेजेंट इन द थ्रोट टू इंश्योर दैट द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। मतलब कोई रिंग्स होती है अंदर, कौन सी होती है, बोन्स होती हैं, टेंडन होती है, लिगमेंट होती है, कार्टिलेज होती है, जो क्या करती है, थ्रोट को इंश्योर करती है कि वहां पर जो एयर पैसेज है गले से वो रुके ना। तो वो क्या होती है, वो कार्टिलेज होता है, उपास्थि। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये जो जनरल साइंस है ये तो आपको डेली लाइफ के अंदर भी पता होनी चाहिए, अपने बॉडी के बारे में तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। और दूसरा, आप कंप्यूटर यूज करते हो, आपके हाथ में मोबाइल फोन होता है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, कुछ लोग इसको फोन पे देख रहे होंगे, कुछ इसको मोबाइल सॉरी कुछ मोबाइल पे देख रहे होंगे, कुछ लैपटॉप पे देख रहे होंगे, कुछ टैब पे देख रहे होंगे, तो आपको कम से कम इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑप्टिक फाइबर आर यूज इन, तो ऑप्टिक फाइबर किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कैट स्कैन के लिए नहीं, एक्सरे के लिए नहीं, अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए नहीं, तो एंडोस्कोपी के लिए, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। हाउ डज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब, जो कि आपकी ट्यूब होती है, ट्यूबलाइट, उसके अंदर व्हाइट लाइट कैसे प्रोड्यूस की जाती है, टू हीट अप द कॉपर वायर, नहीं ये गलत है, टू हीट अप द फिलामेंट, जो फिलामेंट गर्म होता है तो फिलामेंट के गर्म होने से आपकी व्हाइट कलर की रोशनी जो है उत्पन्न होती है, तो बाकी ऑप्शन भी गलत है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन। आपको फ्रेंड्स डेली वीडियो मिल रहा है, ये 10 बजे इसका टाइमिंग शेड्यूल किया गया है। अगर आपने वो थर्ड देखा, अगर मान लीजिए 3 अक्टूबर है, अगर आपने इसके बाद देख रहे हो, 3 अक्टूबर के बाद ये वीडियो देख रहे हो, मान लो ये 5 या 7 अक्टूबर को देख रहे हो, तो मतलब इसके बाकी पार्ट भी आ चुके हैं, तो बाकी पार्ट सर्च करके वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप लोग सभी पार्ट देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को कैसे कुछ चेंजेस करने हैं वो बता दीजिए, हम वो चेंजेस कर देंगे, और आपकी कौन सी लैंग्वेज चाहिए वो बता दीजिए, हम उसमें आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और करंट अफेयर जरूर करते रहा कीजिए चैनल पर, डेली करंट अफेयर, हैंड रिटन करंट अफेयर, हस्त लिखित नोट्स यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, वो भी यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ।